हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरऑल मार्केट के बारे में। वैसे तो अगर आप देखो तो आज मार्केट की स्थिति जो है वो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि अभी इसके बारे में कुछ भी अच्छी तरीके से बात कर पाना, कुछ भी कह पाना डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा मतलब समस्या भरा है। आप अभी फ़िलहाल के समय पर ज़्यादा कुछ एक तरफा बोल भी नहीं सकते, क्योंकि सिचुएशन जो है मार्केट की कोई खास अच्छी नहीं है। एंड जो मार्केट की सिचुएशन है वो इलेक्शन के रिजल्ट से अगर हम देखें तो आपको पैरेलल ही दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसलिए ये बात तो आप क्लियर कट मान के चलो कि अभी जो स्थिति मार्केट की दिखाई दे रही है और जो इलेक्शन के नतीजों की दिखाई दे रही है वो थोड़ी सी डामाडोल है, जिसके चलते में मार्केट फंसा हुआ है। अगर हम देखें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 21,794 पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अभी मार्केट बंद होने में थोड़ा समय है, लेकिन अभी स्थिति यह है कि यहाँ पर 6.5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। एंड ये गिरावट बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, मतलब ख़तरनाक है ये गिरावट, आप ये मान के चलिए, बहुत ही भयंकर है। और रीज़न अगर हम देखें, रीज़न क्या है, रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती हुई दिखाई नहीं दे रही, जिसकी उम्मीद है बहुत ज़्यादा था, जिसकी उम्मीद मुझे तो थी डेफिनेटली। देखो, मैं अब नतीजे अगर उल्टे आ गए तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं बीजेपी मुझे उम्मीद नहीं थी, नहीं मुझे उम्मीद थी, डेफिनेटली मुझे उम्मीद थी कि बीजेपी सरकार बनाएगी, अपने दम पर बनाएगी। लेकिन ये फिलहाल नतीजे जो जिस तरीके के आ रहे हैं वहाँ से क्लियर कट एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि नहीं, बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती हुई दिखाई नहीं दे रही। एंड जितने भी एग्जिट पोल थे वो सब के सब जो है गलत, पूरी तरीके से गलत नहीं, पूरी तरीके से भयंकर तरीके से जो है गलत होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये आप यहाँ पर मान के चल सकते हैं, ये सिचुएशन जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सिचुएशन डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा ख़राब आपको फिलहाल के समय पर नज़र आ रही है। एंड मार्केट में जो टेंशन है ये और कितनी बढ़ेगी, बेसिकली यही हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ना मैं आपको ओवरऑल मार्केट की पिक्चर दिखाना चाहूँगा। सेंसेक्स लगभग 6% के आसपास, निफ्टी भी 6%, बैंक निफ्टी 8% से ऊपर, एंड मिड कैप 100 लगभग 8% के आसपास डाउन है। तो ये हालात हैं मेजर इंडेक्स के। लेकिन अगर वही स्मॉल कैप की तरफ भी चलें तो स्मॉल कैप में भी जो आपको गिरावट दिखाई दे रही है वो छोटी मोटी नहीं है, लगभग 8% से भी ज़्यादा आपको जो है गिरावट नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम सेक्टोरियल बेसिस पर देखें तो ऑटो में गिरावट है, आईटी आज जो है बाकियों के हिसाब से बहुत सही है, ये मानो। आईटी में तो कोई खास गिरावट दिखाई दे भी नहीं रही है, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज की हालत खराब। लेकिन पीएसयू बैंक देखो, इंडेक्स पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है वो आपको कितना दिखाई दे रहा है, लगभग 15% डाउन, लगभग 15% डाउन आपको जो है पीएसयू बैंक इंडेक्स देखने को मिल रहा है। फार्मा की भी हालत अच्छी नहीं है, लेकिन कंपेरेटिवली बहुत अच्छी है। एफएमसीजी ऐसे में चमक रहा है, हरे निशान में इकलौता एफएमसीजी आपको दिखाई दे रहा है, जो क्लियर कट अगर हम देखें तो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है इस तरीके की सिचुएशन में। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्लियर कट आप मानकर चल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सिचुएशन देखा जाए मार्केट के हिसाब से बहुत ज़्यादा ख़राब है। सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ है पता है, पीएसयू, कोई भी पीएसयू मान लो, कोई भी पीएसयू आप मान लो, वहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं आपको दिखाता हूँ टॉप गेनर एंड टॉप लूजर्स में। डाबर इंडिया आपको दिखाई दे रहा है 6% ऊपर, एचयूएल 6.5%, कोलगेट 4.5% के आसपास, सन टीवी नेटवर्क लगभग 3%। मतलब जो डिफेंसिव हैं अभी अगर हम देखें तो आपको क्लियर कट सही दिखाई दे रहा है। डिफेंसिव आज आपको तेजी दिखा रहे हैं, जो अग्रेसिव शेयर थे जिन पर सबसे ज़्यादा दाव लगाया जाता था, जिन पर सबसे ज़्यादा खरीदारी हो रही थी और जिन पर उम्मीदें भी सबसे ज़्यादा थी कि मोदी गवर्नमेंट अगर अच्छे से आ जाती है तो आपको इन शेयर्स में बढ़िया चीज़ें देखने को मिलेंगी, वो शेयर जो है डाउन होते हुए देखने को मिल रहे हैं, बेसिकली आप जैसा कि देख रहे हैं। टॉप लूजर्स अगर मैं आपको दिखाऊं, REC लगभग 25%, PFC लगभग 25%, अदानी पोर्ट 20% से ज़्यादा, सेल 20%। तो वही सरकारी शेयर एंड अदानी शेयर्स, इन शेयर्स की जो है कंडीशन आपको ख़राब होती हुई देखने को मिल रही है और सिचुएशन बहुत मतलब ज़्यादा ही क्रिटिकल है। एंड यहाँ से अब सुधार होगा भी या नहीं होगा, किस कंडीशन में सुधार होगा या फिर होगा ही नहीं, ये देखने वाली बात है और इस पर ही चर्चा भी करनी बेसिकली। तो दोस्तों, तो बात निकल कर आती है कि अब आप ये मान के चलिए कि दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत है कि बीजेपी जो है
अपने तौर पर पूरी सरकार नहीं बनाती हुई दिखाई नहीं दे रही। एंड लगभग लगभग आप ये एक चीज और है कि ये क्लियर है 3:30 के आसपास का समय हो रहा है, ठीक है। और बीजेपी की या फिर मैं बोलूँ एनडीए की जो सीट आ रही है वो अभी तक 295 है। एनडीए की बात हो रही है, बीजेपी की नहीं, एनडीए की। अगर हम बीजेपी की देखें अपने तौर पर तो 241 आ रही है। तो ये बात तो है कि अब तीन मतलब 272 का जो आंकड़ा है वो एनडीए ने तो क्रॉस कर लिया, लेकिन बीजेपी ने क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक है। बीजेपी इस आंकड़े को अभी क्रॉस नहीं कर पा रही है। एंड अब चांसेस जो निकल कर आ रहे हैं, सोचा है या फिर मैं बोलूँ फिलहाल के समय पर देखा ये जा रहा है कि अब बीजेपी सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि इनके जो गठबंधन में 2-3 छोटे छोटे दल ऐसे हैं जिन्हें दूसरी विपक्षी पार्टी या फिर मैं बोलूँ इंडिया अलायंस के लोग जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि वो उनकी तरफ आ जाए। अगर ऐसा होता है, टूट कर जाते हैं, तो डेफिनेटली एनडीए को सरकार भी बनाने में मुश्किल आ सकती है। फिलहाल की स्थिति ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि मतलब 295 एनडीए होने के बावजूद सरकार ना बना पाए, ऐसा भी पॉसिबल है। क्योंकि अगर कोई छोटे मोटे दल टूट गए और दूसरी साइड चले गए तो हो सकता है उन वो लोग बहुमत में आ जाए एंड ये नहीं पहुंच पाए उस आंकड़े तक। तो ये एक और बड़ा डाउट बना हुआ है। हालांकि मार्केट अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत बीच बीच में रिकवरी की दिखाने की कोशिश करी, लेकिन ये देखो हल्की फुल्की रही, लेकिन कोई खास कोई पॉजिटिव माहौल जो है कोई खास देखने को मिला नहीं। तो समस्या तो अगर हम देखें तो दिखाई दे ही रही है एंड ये समस्या यहाँ से और अभी गहराती हुई दिखाई दे सकती है, चांसेस यही दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अब आप ये मान के चलिए कि अभी की स्थिति मैंने आपको बता दी, शाम तक आज इवनिंग तक 100% श्योरिटी हो जाएगी कि किसे कितनी सीट मिली, जो आप देख रहे हैं फिलहाल क्लियर हो जाएगा। मुझे उम्मीद थी अगर 310 भी आ जाते हैं एनडीए के तो भी माहौल जो है एनडीए के पक्ष में ही रहेगा, चीजें टूटा टाटी नहीं होगी, मतलब टूटने पर सरकार नहीं गिरेगी। लेकिन अभी 310 भी पहुंचना लगभग लगभग मुश्किल नजर आ रहा है। और अभी जब एक दो दिन में चीजें क्लियर होंगी, अगर बीजेपी जो है सरकार अपनी नहीं बना पाई, तो एग्जैक्टली आप ये मान के चलिए कि बहुत बड़ी समस्या और देखने को मिल सकती है मार्केट में। हाँ, अगर सरकार बन जाए, कैसे भी बन जाए एंड सरकार बनी रहे, मतलब तो चीज़ें धीरे धीरे करके सुधरती हुई दिखाई देंगी। लेकिन अगर अब बात करें बाइंग की, तो देखो भले ही 25% शेयर गिर गए, लेकिन अभी की जो स्थिति है इसमें हड़बड़ा कर खरीदारी करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। थोड़ी सी और क्लैरिटी अभी चाहिए। वैसे तो उम्मीद ये थी कि आज क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन आज क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे नहीं रही। इसलिए मेरे हिसाब से आपको अब फिर से इंतजार की ही स्थिति अपनानी चाहिए एंड क्लियरिटी होनी चाहिए। भले ही आपको बाद में थोड़ा ऊपर खरीदना पड़े वो अलग बात है, लेकिन क्लियरिटी के समय पर ही खरीदो, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बात हुई कम्प्लीटली पूरे मार्केट के हालचाल के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब देखो वीडियो अच्छी तो नहीं लगी होगी, लेकिन अब जो भी है मार्केट का हालचाल वो तो यही है। लेकिन इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए इतना कहना चाहूँगा कि आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर सही लगी हो तो इसे लाइक भी कर देना।